पहले लास्ट वीडियो में वो डिस्कस करें, और आज की वीडियो में जो हमारे कंसेप्ट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में 4 मार्क्स का क्वेश्चन गारंटी से पूछा जाता है इन टॉपिक में से, उसके ऊपर डिस्कस करने जा रहे हैं। तो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आपको बताया था कि जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है हमारा 10 मार्क्स का रहता है एग्जाम में, एक 4 मार्क्स का क्वेश्चन 6 मार्क्स का क्वेश्चन एग्जाम में रहता है बेटा इसमें से, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट और इजिएस्ट चैप्टर है। तो आज जो क्वेश्चन पढ़ने जा रहे हैं फंड से रिलेटेड क्वेश्चन या कंसेप्ट हम क्लियर करेंगे बेटा। एक बात अपने दिमाग में याद रखना कि अगर हमने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस करा था कि डोनेशन जो है हमारा डिपेंड ऑन नेचर कि स्पेसिफिक है या जनरल है, अगर जनरल नेचर का है तो ट्रांसफर कर दिया जाएगा कहां पे बेटा, कहां पे ट्रांसफर करेंगे अगर जनरल नेचर का है तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, और अगर स्पेसिफिक है तो बैलेंस शीट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। इसके साथ साथ एक और बात नोट कर लो अपनी नोटबुक पर कि अगर क्वेश्चन में हमें किसी भी टाइप का फंड दे रखे हैं, अगर क्वेश्चन में हमें किसी भी टाइप का फंड दे रखा है और उस फंड के ऊपर एक्सपेंस और इनकम गिवन है, अगर क्वेश्चन में फंड दे रखा है और उस फंड के ऊपर एक्सपेंस और इनकम गिवन है देन वी विल ट्रांसफर इट इन द बैलेंस शीट, तो हम उसको बैलेंस शीट के अंदर ट्रांसफर कर देंगे बेटा। दोबारा से सुनो, अगर क्वेश्चन के अंदर हमें फंड दे रखा है और उस फंड के ऊपर एक्सपेंस और इनकम दे रखे हैं तो हम उसको बैलेंस शीट के अंदर ट्रांसफर कर देंगे। आइटम शो कीजिए, स्पोर्ट्स फंड लाइबिलिटी साइड
बट इंटरेस्ट रिसीव कितना किया? 37,500 रिसीव करा। कितना रिसीव नहीं करा? 12,500। टोटल इंटरेस्ट हमें रिसीव करना चाहिए था 50,000, बट हमने रिसीव करा 37,500। तो रिसीव कर लेंगे, इनकम है हमारी, तो ये क्या हो गया बेटा हमारा एक्यूड इंटरेस्ट। कितना बना? 12,500। कैसे आया? 5 लाख के ऊपर 10% इंटरेस्ट गिवन था, मतलब 50,000 इंटरेस्ट रिसीव करना चाहिए था हमें इन्वेस्टमेंट पर। क्वेश्चन में गिवन था कि आपने रिसीव करा 37,500, 37,500। तो टोटल कितना रिसीव करना था? 50,000। रिसीव कितना किया? 37,500। तो बाकी का आ जाएगा, रिसीव कर लेंगे 12,500। एक्यूट इंटरेस्ट है तो एसेट टाइप साइड जाएगा बेटा, और टोटल इंटरेस्ट बन जाएगा हमारा 50,000। क्लियर है? 50,000 रिसीव करना चाहिए था, लेकिन रिसीव करा 37,500, तो 12,500 रिसीव कर लेंगे। एक्यूट इंटरेस्ट हो गया तो एसेट साइड ट्रांसफर कर दिया, और टोटल इंटरेस्ट बनना था हमारा कितना? 50,000। आगे लिखते हैं डोनेशन फॉर स्पोर्ट्स फंड। डोनेशन ऐड कर देंगे, डोनेशन फॉर स्पोर्ट्स फंड कितना रिसीव किया बच्चे? 1,20,000। आफ्टर देन स्पोर्ट प्राइजेस अवार्ड एक्सपेंसेस माइनस कर देंगे, ठीक है।
देखो बेटा एक और क्वेश्चन है हमारा इसी से नेक्स्ट है, वो भी कंसेप्ट के अंदर मोस्ट इंपोर्टेंट है। आगे वाले जो लॉन्ग क्वेश्चंस आएंगे हमारे तो उसके अकॉर्डिंग मोस्ट इंपोर्टेंट कंसेप्ट बनते हैं ये छोटे छोटे हमारे। देखो क्वेश्चन गिवन है, मैच एक्सपेंसेस गिवन है 8 लाख, मैच फंड गिवन है 4 लाख, डोनेशन फॉर मैच फंड है 40,000। अब मैच फंड गिवन है और इससे रिलेटेड एक्सपेंसेस और इनकम्स गिवन है तो बैलेंस शीट में ट्रांसफर होंगे। फिर लिखता है सेल्स ऑफ मैच फिगर्स, सेल्स कर रहे हैं पैसा आ रहा है तो ऐड हो गया। एक कंसेप्ट और जोड़ दिया इसके साथ, मतलब केस बी बट विल बी द इफेक्ट। क्या इफेक्ट पड़ेगा व्हेन मैच एक्सपेंसेस गो अप बाय 2,50,000, कि अगर मैच एक्सपेंसेस 2,50,000 और बढ़ जाए तो क्या इफेक्ट पड़ेगा। मतलब दो केस हो गए बेटा, तो केस ए आपको बताया कि मैच से रिलेटेड फंड है जो हमारा, उससे रिलेटेड एक्सपेंसेस और इनकम्स गिवन है तो ट्रांसफर कर देंगे बैलेंस शीट में। देखिए मैच फंड गिवन है हमें 4 लाख का, लाइक इसी से ट्रांसफर होगा। मैच एक्सपेंसेस गिवन है 1 लाख, डोनेशन फॉर मैच फंड है, इनकम है बेटा ऐड कर देंगे। नहीं पे किया जा सकता,
इनकम इतनी हो रही थी, कहता है बाकी चीजें सेम रहेंगी, अदर थिंग्स रिमेन सेम, बाकी चीजें सेम है, मैच फंड जितना था उतना है, डोनेशन जितना था उतना है, सेल्स ऑफ मैच टिकट की अमाउंट जितनी थी उतनी है, तो टोटल किया 10 है, मतलब आपकी पॉकेट में जो पैसे पड़े थे वो 10 लाख रुपए पड़े थे, लेकिन आपका खर्चा जो हो रहा था, जो आपके एक्सपेंस हो रहे थे वो 10,50,000 हो रहे थे। तो क्वेश्चन ये बनता है कि अगर एक्सपेंसिस ज्यादा है मैच फंड से तो क्या ट्रीटमेंट किया जाएगा, अगर हमारे एक्सपेंसिस ज्यादा है मैच फंड से तो उन एक्सपेंसिस को इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में शो करेंगे, किस साइड शो किया जाएगा, एक्सपेंडिचर साइड शो किया जाएगा। साथ में चीज नोट कर लो बच्चे, भूल जाते हैं कि इस चीज का बैलेंस शीट में कोई भी ट्रीटमेंट नहीं किया जाएगा, अगर एक्सपेंसेस ज्यादा है मैच फंड से तो उस चीज को बैलेंस शीट में कहीं पर भी शो नहीं किया जाएगा, मतलब केस बी में बैलेंस शीट नहीं बनाई जाएगी। क्यों नहीं बनाई जाएगी, क्योंकि एक्सपेंस ज्यादा है और फंड क्या है कम है, तो इस केस में जितने एक्सपेंस ज्यादा है 50,000 ज्यादा है तो उनको कहां पर शो किया जाएगा, एक्सपेंडिचर साइड शो किया जाएगा। तो नोट कर लो, इफ द एक्सपेंसेस अप टू बाय 2,50,000 मैच एक्सपेंसेस बिकम 8 लाख प्लस 2,50,000 दैट इज द 10,50,000, द नेट बैलेंस ऑफ द मैच फंड इज 50,000 माइनस का बच रहा है, तो कहते हैं व्हिच विल बी द शोन बाय द डेबिट साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, मतलब कि ये 50,000 बैलेंस है हमारा कि एक्सपेंस थे 10,50,000 के और 10 लाख का मैच फंड था तो 50,000 एक्सपेंसेस जा रहा है, तो इसको एक्सपेंडिचर साइड शो किया जाएगा और कहीं पर इसको शो नहीं करेंगे, 50,000 को एक्सपेंडिचर साइड शो किया जाएगा, इसको बैलेंस शीट में कहीं पर भी ट्रीट करके नहीं दिखाएंगे। कब, अगर एक्सपेंसेस जा रहा है फंड से, बट अगर फंड ज्यादा है एक्सपेंसेस से तो बैलेंस शीट में जा रहा था, अगर एक्सपेंसेस ज्यादा है फंड से तो उसको कहां पे ट्रांसफर किया जाएगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में ट्रांसफर किया जाएगा। बेटा तो कंसेप्ट के अंदर ये भी नोट कर लो कि अगर फंड ज्यादा है एक्सपेंसेस से तो बैलेंस शीट में ट्रांसफर करेंगे, और अगर एक्सपेंसेस ज्यादा है फंड से तो कहां पे ट्रांसफर करेंगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इस तरह से नोट कर लो। ग्रेटर है एक्सपेंसेस से तो कहां पे ट्रांसफर करेंगे, बैलेंस शीट में ट्रांसफर करेंगे लायबिलिटी साइड, और अगर एक्सपेंडिचर ज्यादा है हमारे फंड से तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में एक्सपेंसेस साइड को क्या कर देंगे, शो कर देंगे, इज अ डेबिट साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर। क्लियर है बेटा? अभी कितना जा रहा था, एक्सपेंस हो रहे थे 10,50,000, फंड था 10 लाख का, तो कितना जा रहा है 50,000, तो 50,000 को इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में डेबिट साइड शो कर दिया है। क्लियर है? आज का कंसेप्ट इतना ही, इससे 3 और 4 क्वेश्चन हो जाएंगे आपकी बुक में से। डीके गोयल के कंसेप्ट उठा के चलते हैं, कंसेप्ट तो सेम है, क्वेश्चंस डीके गोयल के उठा के चलते हैं, तो अच्छे से कर लेना, कोई भी डाउट आता है तो पूछ लेना, व्हाट्सएप पर शेयर कर सकते हो, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। घर के रहो, स्वस्थ रहो, अपना ध्यान रखो, पेरेंट्स का ध्यान रखो और अपनी स्टडी को कंटिन्यू करते रहो बेटा। मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर चल रहा है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो अच्छे से कर लेना। एक वीडियो अपलोड की जा चुकी है सिलेबस से रिलेटेड, उसको भी चेक कर लेना, कौन कौन से टॉपिक कर दूंगा, किस किस चैप्टर में से कर दूंगा, मोस्ट इंपोर्टेंट कंसेप्ट उसके अंदर बताए जा चुके हैं, तो अच्छे से रीड किया करो बेटा। जब भी पढ़ते हो तो अपने नोट साथ के साथ प्रिपेयर किया करो, क्वेश्चन साथ के साथ ट्राई किया करो, आपके लिए बहुत हेल्पफुल है। ओके okay?